आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम एंड वेरी गुड आफ्टरनून यू नो वी आर डिस्कसिंग द सीरीज ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट एंड आई एम अभिषेक सोनी फैकल्टी ऑफ द एप्टीट्यूड एज वेल एज एडवांस मैथ्स एंड वेलकम टू द अग्रणी इंस्टीट्यूट यू ऑल पीपल एंड यू नो प्लीज़ जो आप मुझे सुन पा रहे हैं आप एक बार एक मैसेज कर देंगे कि सर ऑडिबल है प्रॉपर एंड विजिबल है प्रॉपर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे पूछेगा बच्चे अब मुझे एक बात बताएंगे बच्चे ये हम जो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे तो जितने भी नए स्टूडेंट आप जोड़ रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और जैसे ही मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा ना मेरे बच्चे जैसे ही मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा तो आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल से होगा आप अच्छे से चीजों को समझेंगे लेकिन आज भी आपको समझ में आएगा हम क्वेश्चन की चर्चा शुरू कर, करने जा रहे हैं क्या है क्वेश्चन आज का देखेंगे बच्चे अ अ पर्सन टेक्स लोन ऑफ सेवन थाउजेंड फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एक व्यक्ति बैंक से सात हजार रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से लोन लेता है तीन वर्ष बाद वह बैंक को मूलधन से तीन हजार रुपए लौटा देता है उसके दो साल बाद वह पांच हजार चार सौ पचास रुपए देकर आपका सारा बचाया बकाया क्लियर कर देता है तो ब्याज की दर बताइए क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ सेवन थाउजेंड रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर थ्री ही रिटर्न थ्री थाउजेंड रुपीज आउट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट टू द बैंक आफ्टर टू ईयर्स इज ऑफ इंटरेस्ट बस मेरी एक ही आपको सलाह है कि जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट की चर्चा करते हैं तो मेरी एक सलाह है कि आप बाय मेथड ना जाकर थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें सर कैसा कॉमन सेंस देखिए बच्चे उसने टोटल सेवन थाउजेंड रुपीज उधार लिए थे बोला हाँ और उन्होंने सर तीन हजार रुपए बीच में और पांच हजार चार सौ पचास रुपए, मतलब सर पांच हजार चार सौ पचास रुपए एट लास्ट और बीच में तीन साल बाद तीन हजार रुपए दिए इसका मतलब उन्होंने आठ हजार चार सौ पचास रुपए सर टोटल दिए समझ में तीन पांच हाँ चार सौ पचास तो मुझे बताइए सात हजार से आठ हजार चार सौ पचास रुपए मतलब एक्स्ट्रा टोटल उन्होंने ब्याज कितना दिया तो आपने कहा सर चौदह सौ पचास रुपए उन्होंने ब्याज दिया कोई दिक्कत आप देख लीजिए अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें घटाएंगे बच्चे तो ये चौदह रुपए आपका आएगा अब ध्यान से आप समझना बहुत ध्यान से आप समझना मेरे बच्चे अब सात हजार रुपए का उन्होंने लोन लिया था तीन साल बाद ती, तीन रुपए चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने ये मान लिया मैंने ये मान लिया बच्चे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वन परसेंट है कितना मान लिया 1%. तो रुपए पर वन परसेंट अगर एक साल का है तो तीन साल तक सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट लगा होगा तो एक साल का एक परसेंट तो तीन साल का तीन परसेंट आपने कहा हां सर मतलब सात हजार पर तीन परसेंट तो आप ये जानते हैं कि जो ऐसा ही है वो इसका कितना हो गया सर तीन परसेंट तो इसका दस परसेंट सात सौ एक परसेंट सत्तर तो तीन परसेंट कितना हो गया रुपए के फॉर्म में दो सौ दस रुपए हो गया आपने बोला हा सर और उन्होंने जब तीन हजार रुपए चुका दिए जब तीन हजार रुपए चुका दिए तो बचे कितने पैसे बोला सर चार हजार रुपए बच गए बोला हा और उन्होंने एक बात कही कि उसके दो साल बाद दो साल बाद मतलब तीन हजार चुकाने के बाद जो चार हजार रुपए बचा था उस पर दो साल तक सिंपल इंटरेस्ट लगा अगर यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक परसेंट है तो दस परसेंट चार सौ तो एक परसेंट चालीस तो दो परसेंट कितना हो गया बोला अस्सी तो हमारे हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट है तो इसका यह मतलब है सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा अस्सी रुपए तो कुल मिलाकर 210 और 80 कितना हो गया दो सौ रुपए सिंपल इंटरेस्ट लगा आपने बोला सर एक्चुअल दो सौ रुपए सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगा है जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट लगा है वो 1450 लगा हुआ है तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया और उनतीस से अगर कैंसिल किया तो पांच बार गया मतलब दो सौ का पांच गुना है 1450-290 का फाइव टाइम्स है पांच गुना है तो इसका यह मतलब है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मानी है वन परसेंट वो भी वन परसेंट नहीं होगी पांच गुना होगी कितनी होगी फाइव परसेंट होगी और यही हमारा क्या है आंसर है आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे वापस मैं इस क्वेश्चन को दोहराने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे कि सर सात बैंक से लोन लिया था आपने बोला हाँ सर मैंने मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वन परसेंट है तो तीन साल बाद आपने तीन हजार रुपए लौटाए हैं तो इसका मतलब सात हजार रुपए पर एक परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से तीन साल तक सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा तो एक साल का वन परसेंट तो तीन साल का तीन परसेंट आपने बोला हां अगर इसका दस परसेंट सात सौ है एक परसेंट सत्तर है तो तीन साल का कितना हो गया बोला अगर रेट एक ऑफ एक परसेंट अगर आप मानते हो तो सिंपल इंटरेस्ट दो होता है मैंने कहा आपने जब तीन हजार रुपए चौका चुका दिए तो बचे कितने बोला चार हजार रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वन ही परसेंट है दो साल बाद आपने पूरा अमाउंट दे दिया तो एक साल कितना सर एक परसेंट तो दो साल का दो परसेंट तो इसका एक परसेंट चालीस तो दो परसेंट अस्सी कुल मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया दो सौ नब्बे और हमारे हिसाब से कुल मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट कितना था सर वन फोर फाइव जीरो इसका कितना गुना है आपने बोला पाँच गुना है इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो भी दो वो एक परसेंट नहीं होगी पांच गुना होगी फाइव परसेंट होगी और ये इसका आंसर है और आप इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क्स जरूर कर लीजिएगा मेरी तरफ से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाजिर हो रहा हूं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्या क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा एक व्यक्ति बारह हजार रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बैंक से लोन लेता है a person takes a loan of रुपीस वर्ष बाद वह बैंक को मूलधन में पांच सौ रुपए थ्री इस रिटर्न रुपीज सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आउट ऑफ द प्रिंसिपल उसके दो साल बाद वह बैंक को कितना पैसा दे कि उसका सारा बिकाया क्लियर हो जाए आफ्टर टू इयर्स हाउ मच मनी शुड ही गिव टू दैंक सो दिज ड्यूज आर क्लियर बहुत ध्यान से और साधारण क्वेश्चन है जैसा कि आप बैंक में जाकर पूछते हैं बट आपको मैं क्लियरली बता दू मेरे बच्चे की बैंक में सिर्फ बैंक इंप्लॉयज को ही सिंपल इंटरेस्ट पर लोन मिलता है एक्सेप्टिंग बैंक इंप्लॉय को अगर छोड़ दें तो बाहर दुनिया में जितने भी लोगों को बैंक लोन प्रोवाइड करती है दे आर ऑलवेज भी कंसिडर्ड एज अ कम्पाउंड इंटरेस्ट क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो सर्वदा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है आपने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन ऐसा है कि सर बारह हजार रुपए की राशि है ट्वेल्व थाउजेंड का हमारा प्रिंसिपल है आपने बोला हां है उन्होंने कहा कि तीन वर्ष बा, बाद बैंक को इतना इतना पैसा लौटाता है इसका क्या मतलब है कि सर जो एट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे तीन साल तक तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा ही तो सर एक साल का आठ परसेंट है तो तीन साल का कितना परसेंट हो गया बोला सर ट्वेंटी फोर परसेंट हो गया चौबीस परसेंट सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो बारह का चौबीस सिंपल इंटरेस्ट लगा तो सर यह रुपए के फॉर्म में कितना है आपने बोला इसका दस सौ बारह सौ होता है एक परसेंट एक सौ बीस होता है तो चौबीस अड़तालीस दो हजार आठ सौ अस्सी रुपए का सिंपल इंटरेस्ट लग गया कितने सालों में बोला तीन सालों में लग गया अब हमारा प्रिंसिपल था बारह हजार रुपए समझना मेरे बच्चे बारह हजार रुपए प्रिंसिपल था उसमें से आपने सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज बैंक में जमा करा दिया तीन साल बाद तो बचा कितना बोला सर 6511 पांच ग्यारह मतलब पांच हजार सौ रुपए आपका बच गया इसका क्या मतलब है कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज बचा हुआ है इस पर अब आने वाले दो साल तक का इंटरेस्ट लगने वाला है आपने बोला हाँ सर इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है बच्चे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आठ परसेंट होता है तो दो साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा आपने बोला सर सोलह परसेंट होगा क्योंकि एक साल का आठ परसेंट तो दो साल का कितना बोला सर सिक्सटीन परसेंट होगा तो बच्चे आप जानते हैं कि फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड का टेन परसेंट कितना है बोला फाइव हंड्रेड फिफ्टी और वन परसेंट कितना है बोला फिफ्टी फाइव तो सिक्सटीन कितना होगा सर एट एट जीरो होगा एट एट जीरो होगा यह हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा जो 5,580 हज़ार सौ अस्सी पर लगा है आपने बोला हाँ सर इतना लगा हुआ है इसका क्या मतलब है बच्चे कि अगर मैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट ही जोड़ूं तो दो हजार आठ सौ अस्सी और आठ सौ अस्सी को अगर मैं जोड़ दूं तो आप ये देखेंगे कि यह तीन हज़ार सात सौ साठ के बराबर होगा मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ बच्चे थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज आपने बोला हाँ ये क्या है बोला ये सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल कितना बच गया था बोला फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज बच गया था इसका मतलब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो उतना अमाउंट देकर वो क्या कर देगा बच्चे पूरा का पूरा लोन खत्म कर देगा मतलब नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी रुपीज ये देगा और पूरा का पूरा लोन क्या हो जाएगा बच्चे खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत अगर वापस से दिक्कत हो तो फिर से समझने की कोशिश करें मेरे बच्चे बार बार इन क्वेश्चनों को बताना मेरा धर्म बन जाता है क्योंकि वही क्वेश्चन है जो मेंस का लगातार पार्ट बनते आए हैं और बच्चे आप जानते हैं कि प्रिलिम्स तो वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं जिन्हें थोड़ी नॉलेज हो दिक्कत उन स्टूडेंट्स की है जो मेंस क्वालिफाई करते हैं मेंस वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते हैं बच्चे जिन्हें पूरा नॉलेज हो पूरा पूरे का मतलब होता है कंप्लीट कांस्टेबल में आने वाले क्वेश्चन से लेकर कैट में आने वाले क्वेश्चन तक अगर आपको बनते हैं इसका मतलब आप किसी भी एग्जाम्स का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मीन्स क्लियर कर पाएंगे ठीक है ये आपको हंड्रेड कॉमन सेंस दे रहा हूं मैं और मेरे पढ़ाने के बाद होप्स आपका कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है ऐसा मैं मानकर चलता हूँ स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि सर ये छूट रहा है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं नाउ बच्चे वापस इस बात को रिपीट कर रहा हूं कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि सर आठ परसेंट सिंपल इंटरेस्ट तीन साल का कितना हुआ ट्वेंटी फोर परसेंट आप जानते हैं सर कि इसका टेन परसेंट कितना होता है तो uh, ट्वेंटी परसेंट कितना होगा बोला सर टू एट एट जीरो होगा यही हमने निकाला था आपने बोला हाँ सर टू एट एट जीरो आपने निकाला था अगर बच्चे हम आगे बढ़ते हैं अब बारह हजार के बाद उन्होंने कितना चुकता कर दिया बोला छह हजार पाँच सौ दे दिया ये सिंपल इंटरेस्ट अभी बचा है जब मूलधन में से इतना दे दिया तो बचा कितना पांच बचा है अब इस पर दो साल का सिंपल इंटरेस्ट लगा अब एक साल का आठ तो दो साल का सोलह कितना हो गया बोला सर आठ हो गया अगर अब देखो ये देने के बाद एक तो ये बचा था और ये दोनों इंटरेस्ट बच गया दोनों को अगर जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया बोला नाइन टू सिक्स जीरो हो गया और टोटल यही अमाउंट देकर वो अपना चुकता कर लेता बच्चे यही क्वेश्चन की डिमांड थी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आई होप आपको कोई डाउट नहीं है ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाजिर हो रहे हैं बच्चे ओके okay. Now बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं देख बच्चे अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्या क्वेश्चन है देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट अक्योर्ड इन थ्री थर्टी रुपीजल थाउजेंड टेल मी द रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझना ठीक है बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझना क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे बारह सौ की राशि से तीन साल में प्राप्त साधारण ब्याज एक हजार रुपए की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से तीन सौ रुपए अधिक है तो दर पताइए बहुत ध्यान से आप क्वेश्चनों को समझिए मुझे एक बात बताइए बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि उसे तीस रुपए अधिक साधारण ब्याज प्राप्त हुआ बोला हां समय समान है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सर्टेन है निश्चित है आपने बोला हा? तो आपको पता है ना कि मूलधन बारह सौ रुपए है और एक मूलधन एक हजार है तो क्यों ज्यादा है भाई जो ज्यादा मूलधन है जिसका उतना ही उस पर ज्यादा रेट ऑफ ज्यादा ब्याज लगा होगा इसलिए ज्यादा ब्याज आया होगा आपने बोला हाँ तो सर पहला प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल से कितना ज्यादा है मैंने बोला दो सौ रुपए ज्यादा है आपको दिख रहा है इसका मतलब जो तीस रुपए का अंतर आया है वो दो सौ रुपए के कारण आया है आपने बोला हां सर बात सही है और मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे कभी एग्जामिनर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे ब्याज की दर पूछे तो आप मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वन परसेंट है तो हमें यह तो पता चल गया कि यह दो सौ रुपए प्रिंसिपल के कारण थर्टी रुपीज ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट आया है तो मैंने मान लिया मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वन रही होगी मैंने कहा अगर 1% परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी तो तीन साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है परसेंट के फॉर्म में तीन परसेंट लगा होगा आपने बोला हाँ लेकिन रुपीस के फॉर्म में कितना लगा होगा आपने बोला सर रुपीस के फॉर्म में चाहिए इसका 1% 10% दस तो 1% परसेंट दो तो अगर 1% परसेंट दो है तो 3% परसेंट रुपए लगना चाहिए पर सिंपल इंटरेस्ट छह रुपए नहीं लगा सर क्वेश्चन के अनुसार तीस रुपए लगा है मतलब छह रुपए का तीस रुपए कितने टाइम्स है बोला सर सिक्स थर्टी का फाइव टाइम्स है इसका मतलब जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट वन मानी है वो भी वन परसेंट नहीं होगी फाइव टाइम्स होगी कितनी होगी बोला फाइव परसेंट होगी दैट इज द आंसर बताइए कोई डाउट हो तो अरे ये बात समझ में एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपने बोला सर ये बात आपको कैसे समझ में देखो बच्चे आपको भी समझ में आ जाएगी कि बारह सौ रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज हजार रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज से तीस रुपए अधिक है और स्वाभाविक सी बात है जब आपने ज्यादा मूलधन लिया है दिया है किसी को उधार तो ज्यादा ब्याज भी तो प्राप्त होगा तो वही हुआ है भाई जितना ज्यादा दिया है तो कितना ज्यादा दिया बोला दो सौ रुपए ज्यादा दिया इसीलिए तो दो सौ रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज आपको ज्यादा प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ और किस रेट से हुआ वो अपन ने निकाल लिया आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाजिर हो रहे हैं बच्चे ठीक है ध्यान दीजिएगा चीजों को समझते चलिए क्या है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है हमारा क्वेश्चन नंबर टू देखो कि सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए अमाउंट ऑफ रुपीज वन सिक्स फाइव जीरो बोल रहा है अब समय पूछ रहा है बच्चे समझना उसने क्या बोला कि सोलह रुपए की राशि से चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर अठारह रुपए की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से तीस रुपए कम है अब स्वाभाविक सी बात है सोलह सौ पचास रुपए जो है अठारह सो रुपए से कम है ना बोला हा अगर यह कम है तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी कम प्राप्त हुआ होगा आपने बोला क्यों कम प्राप्त हुआ होगा क्योंकि इसका मूलधन एक सौ पचास रुपए कम था अगर इसका प्रिंसिपल एक सौ पचास रुपए कम है बोला एक साल का चार परसेंट लगता है अब एक साल का चार परसेंट मेरे बच्चे ध्यान से समझ इसका टेन परसेंट कितना है बोला फिफ्टीन तो 1 कित्ता है बोला 1 English में Hindi में हिंदी बोले तो डेढ़ डेढ़ अगर दो परसेंट तीन दो परसेंट तीन और चार परसेंट कितना हो गया बोला चार परसेंट तीन का दोगुना छह रुपए मतलब छ रुपए कितने साल का है बोला एक साल का सिंपल इंटरेस्ट छह रुपए है एक सौ पचास पर बोला हाँ लेकिन बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना कम है बोला सर छह रुपए नहीं क्वेश्चन के अनुसार तीस रुपए कम है तो ये जो छह रुपए है वो सिक्स का कितना टाइम्स है तीस बोला सिक्स फाइव या थर्टी इसका मतलब जो टाइम है वो भी एक साल नहीं होगा वो भी पांच गुना होगा बोला पांच साल लगेंगे और पूरा का पूरा तीस रुपए कम आ गया होगा तो हमारा आंसर कितना हो गया पांच साल फाइव ईयर्स बात समझ में आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो प्रैक्टिकली ट्रू है बच्चे कॉमन सेंस से ट्रू है अगर बाय मैथ बाय फॉर्मूला जाओगे तो बड़ा टफ लगता है बस चीजों को आप समझते चलिएगा आपने बोला ठीक है Now हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाजिर हो रहे हैं क्या है क्वेश्चन देखो क्वेश्चन यह है बच्चे कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एन अमाउंट ऑफ टू थाउजेंड रुपीज इज इंक्रीज बाय फोर इयर्स द इंटरेस्ट इज रूपीज फोर्टी मोर देन वॉट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है कि दो हजार रुपए की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज समय चार साल बढ़ाने पर ब्याज चालीस रुपए अधिक मिलता है तो ब्याज की दर बताइए बहुत ध्यान से समझना क्या बोला कि चालीस रुपए अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है चार साल बढ़ाने पर आपने बोला हां सर बिल्कुल सही बात है तो मुझे एक बात बताइए कॉमन सेंस बता रहा हूं कि चालीस रुपए चार साल का ज्यादा मिलता है तो एक साल का कितना हो गया बोला दस रुपए तो मुझे एक बात बताइए कि जो दस रुपए है वो दो हजार का कितना परसेंट है आपने बोला सर दो हजार का दस परसेंट दो सौ, एक परसेंट बीस तो जब एक परसेंट बीस रुपया है तो दस रुपए कितने परसेंट होगा आपने बोला सर आधा परसेंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट आंसर आ गया आपने बोला सर ये कैसे आंसर आ गया बच्चे इतना ही इसका आंसर है रेट ना, ये तो अधिक प्राप्त हुआ तो इसका यह मतलब है कि चार साल में आपको चालीस रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो एक साल का कितना बोला दस रुपये तो यह दस रुपए एक साल का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो इसका मतलब तो ब्याज की दर बताइए तो ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दस रुपए ये जो दस रुपए है वो दो हजार का कितना परसेंट है या तो ऐसे निकाल लो कैलकुलेट करके या तो आप जानते हैं मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हो ही आप सब कि इसका टेन परसेंट दो सौ है एक परसेंट बीस है तो दस रुपए पॉइंट फाइव परसेंट होगा और यही इसका आंसर भी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ज्यादा हो गई दैट इज द आ रही बात समझ में आई होप आपको समझ में आ रही है बातें नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है देखो ध्यान से द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द सिंपल इंटरस्ट रिसीव एन अमाउंट ऑफ इनक्रीज बाई फोर्टी रुपीज वेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय टू परसेंट वॉट इज द टाइम देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा बोल रहा है कि बीस दो हजार रुपए की राशि से प्राप्त साधारण चालीस रुपए बढ़ जाता है जब ब्याज की दर दो प्रतिशत बढ़ जाती है तो समय बताइए अब ध्यान से देखिएगा मुझे एक बात बताइए कि दो हजार रुपए जो आपको दिख रहा है उसका टेन परसेंट कितना है आपने बोला टू हंड्रेड वन परसेंट कितना है बोला ट्वेंटी तो टू परसेंट कितना हो गया बोला टू परसेंट इसका रुपीज के फॉर्म में हो गया फोर्टी परसेंट मतलब टू परसेंट टू परसेंट फोर्टी रुपीज के बराबर है आपने बोला हाँ तो ये जो दो परसेंट है बढ़ गई तो दो परसेंट बढ़ गई तो हमारे हिसाब से ब्याज कितना आया बोला चालीस रुपए तो अभी भी यहां पर ब्याज कितना बढ़ गया बोला चालीस रुपए तो कितने साल ब्याज लगी बोला एक साल ही लगी थी दो परसेंट तो आंसर भी कितना आ गया हमारा वन ईयर दैट इज द आंसर देखिए आप मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चे जो पेपर का क्वेश्चन है वही बता रहा हूं उन्हें जो क्वेश्चन किया वो उसका आंसर दे रहा हूं उसने इतना सिंपल क्वेश्चन कर दिया कि द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फॉर्म एन अमाउंट टू थाउजेंड इंक्रीज बाय से फोर्टी रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई टू परसेंट वॉट इज द टाइम अब दर को दो प्रतिशत बढ़ाया तो दो प्रतिशत दो हजार का कितना परसेंट है खुद चालीस परसेंट है देखो दो हजार का टेन परसेंट कितना है दो सौ तो एक परसेंट कितना तो दो परसेंट बढ़ाया तो मतलब चालीस बढ़ा तो एक साल का चालीस रुपए बढ़ गया तो बढ़ा भी चालीस ही था तो इसका मतलब आंसर कितने साल हो गया बोला एक साल बताइए मैं ऐसा क्या बता रहा हूं अस्सी बढ़ता तो दो साल हो जाता सर दो सौ रुपए बढ़ता तो पांच साल हो जाता क्योंकि चालीस पंचे दो सौ बीस अब बताइए क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था आंसर है एक साल